साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th से जुलाई मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारा बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग हिंदी का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर का जो है ना प्यारा बच्चों, बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर का सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर के आपको बताने वाले हैं। तो उससे पहले आपको बता दें, आप लोगों का जो हिंदी का पेपर है इसका एग्जाम 24 जुलाई के दिन होने जा रहा है। तो देख लीजिएगा विषय कोड में, अगर आप लोगों का चाहे आप लोग साइंस आर्ट्स या कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से रहोगे तो तीनों सब्जेक्ट में जो है ना आपका सेम ही ये क्वेश्चन रहेगा। टाइम 1.5 घंटा का दिया जाएगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, मेरे पास जो है ना प्यारे बच्चों टोटल दो पेपर आया है, ठीक है ना। टोटल मेरे पास दो पेपर आया है कि ये देख सकते हो, इसका मैंने ऑलरेडी पहले ही आंसर की बता दिया था। अगर आप लोग नहीं देखा तो जाकर के इसी चैनल पे देख लेना आंसर की। दो पेपर आया, एक पेपर जो है ना आपका 24 जुलाई के दिन होगा, तो मैं सुबह में एक पेपर डालूंगा। 10 बजे ऑलमोस्ट आप एग्जाम देने जाओगे तो उससे पहले मैं डालूंगा वीडियो, ठीक है ना। तो आप दोनों पेपर को देख के जाना, ठीक है, ताकि जो है ना अगर मान लो दोनों में से कोई एक पेपर तो 100% आ जाएगा, जैसे कि पीछे का मैंने जो जो डाला था उसमें से एक पेपर का नहीं आया दूसरा का आ गया था, वैसे ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप उसके लिए क्या कर लीजिए, कुछ नहीं, अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो बच्चे कर लिए उनके लिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे ना तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तो आप आराम से देख पाओगे। चलो आगे हम आंसर की कहाँ मिलेगा पीडीएफ के रूप में वो बता देते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करोगे ये भी मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ। तो इसके लिए प्यारा बच्चों, सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पर क्लिक करके मिथुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए। उसके बाद ऊपर करिएगा ना तो फर्स्ट में मिथुन स्टडी सेंटर का ऑप्शन वेबसाइट मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद ना आप अपने जो ना इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करिएगा, नीचे आएगा ना तो देखिएगा क्लास 12th का आपको सेशन देखने को मिलेगा। और बिल्कुल बता रहा हूँ 100% ओरिजिनल पेपर का ही आंसर की मिलेगा। देखो यहाँ पर जैसे क्लास 12th लिखा है, ये जो बिहार बोर्ड क्लास 12th जुलाई मंथ एग्जाम है, इस पर क्लिक कर लोगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा ना, आराम से स्क्रॉल डाउन करना, नीचे चले आना। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को करके ना अभी ही ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसी ग्रुप में आपको लिंक मिलेगा। और शाम में 7 बजे इसी चैनल पे साइंस वाले बच्चों का, रात में 8 बजे आर्ट्स वाले बच्चों का डेली लाइव क्लास चलता है। और आगे आपका अगस्त मंथ का एग्जाम होगा, उसमें भी आपको इसी प्रकार से हेल्प किया जाएगा। और साथ में आपका अर्धवार्षिक परीक्षा भी होगा, टर्मिनल एग्जाम, उसमें भी हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो चलो देखो, किसी भी सेशन से आ सकते हो, ये साइंस का सेशन है, हिंदी संस्कृत हिंदी और इंग्लिश उर्दू सबका सेम रहेगा, किसी भी सेशन से कर सकते हो। आर्ट्स वाले बच्चों का सारा पेपर मैं डालने वाला हूं, आप लोग कमेंट भी करना किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए आर्ट्स में, क्योंकि उसका एग्जाम तो चलने वाला है ना सारा। तो देखो फिलहाल करना है मैं हिंदी का डाउनलोड, सामने लिखा है डाउनलोड तो क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद अब आपको करना क्या है, देखो सब्जेक्टिव आंसर हम जैसे ही डाल देंगे तो आपको नहीं मिलेगा, आप ऐसे ऐसे आओगे ना तो पीछे का जो डाला हुआ चीज़ है वही दिखेगा। आपको करना है इसके लिए क्या है, पेज को रिफ्रेश कर लेना है, यहाँ पर ना पेज को नीचे को खींच के रिफ्रेश कर लेना, आपको चेकआउट करते रहना, जब भी आओगे तो पेज को रिफ्रेश कर लेना, रिफ्रेश करके नीचे आना। देखो अभी मैं आपसे दिखा दूँ, ये जो है ओरिजिनल पेपर का ही आंसर की है प्यारे बच्चों, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप इसको नहीं लिखो, सब्जेक्टिव प्रश्न का जैसे ही यहां पर आंसर की अपलोड हो जाए, यानी सब्जेक्टिव आंसर की आपको यहां पर जैसे ही देखने को मिल जाएगा ना, तो आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का लिख लेना, अभी फिलहाल नहीं लिखना। और दूसरा वीडियो भी अपलोड करूंगा, आप तैयार रहो, ठीक है। और रिफ्रेश वगैरह करके आप चेकआउट करते रहना, ठीक है ना। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ आज जो आपका एग्जाम पीछे का हुआ था, ज्योग्राफी का, बायो का, मैथ का कैसा गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।